न्यूज लिखो जिको मुहूर्ते पक्सो धारा अधीन ग्रेप्तार हम पारे राहुल गांधी। राहुल गांधी सम्मुख डांगर विपदे देखा दी है। यह मुहूर्त नतुन खबर जो राहुल गांधी सम्मुख डांगर विपदे देखा दी है। पक्सो आईन अधीन ग्रेप्तार हवा दिशा आगे राहुल गांधी जिको मुहूर्त ग्रेप्तार हम पे धर्षिता किशोर परिचय राजहुआ कर दी राहुल गांधी। 2021 सन एगी किशोर धर्षण कर हत्या कर राहुल गांधी किशोरगढ़ गृहत उपस्थित हो पितृ मातृ सहित फटो तुली सामाजिक माध्यम फटो राजहुआ कर दी पक्सो और जुवेनाइल जास्टिस भंग। 2021 सन सेप्टेम्बर माहते गोचर रुजुशी राहुल गांधी विरुद्धे दिल्ली उच्च न्यायालय एक घटनाक शुनानी चल आस। राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्ष प्रियांक कानगुए यह तथ्य जाना से दिल्ली आरक्षे शीघ्र ग्रेप्तार कर सम्भावना आज राहुल गांधी। राहुल गांधी सम्मुख विपदे देखा दी एगी किशोर एन शमशान धर्षण कर हत्या कर राहुल गांधी घर ले गई पितृ मातृ सहित फटो तुली फटो टुईटार आपलोड कर पीछे टुईटार फटो डिलीट कर फटो डिलीट कर कि 2021 सनते 240 नंग धारा एट गोचर रुजुशी जो पक्सो और जुवेनाइल जास्टिस भंगर अभियोग तला और सही गोचर यह मुहूर्त जिको समय राहुल गांधी ग्रेप्तार कर सम्भावना आज। राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्षगढ़ दिल्ली आरक्षे हेसा दी गए जिको मुहूर्त राहुल गांधी ग्रेप्तार हम पे आम दिल्ली आम राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्षगढ़ प्रियांक कानगुर मंत्य अपना शुना करवाई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2021 में एक बच्चे की रेप और हत्या की घटना हुई थी जिसमें उस वक्त उस मामले को स्कैंडलाइज्ड करने के लिए सांसद सदस्य श्री राहुल गांधी वहां गए थे। उन्होंने बच्चे के माता पिता के साथ वीडियोस बनाए, वीडियोस उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपलोड किए और ये सब करके उन्होंने पॉक्सो एक्ट के और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ दिया। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था। हमने तब दिल्ली पुलिस को कहा था कि इस मामले में श्री राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी हुई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने यह अवगत कराया है कि दिल्ली पुलिस ने 2021 के सितंबर माह में एफआईआर नंबर 240 दर्ज किया है राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें सेक्शन 23 पॉक्सो, सेक्शन 74 जेजे और 228 ए आईपीसी धाराएं लगाई गई हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में शीघ्र एक्यूज्ड की गिरफ्तारी करेगी और मामले को आगे बढ़ाएगी। अभी तक आपके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एफआईआर रजिस्टर की गई है? अनफॉर्चुनेटली हमें दिल्ली पुलिस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। मीनवाइल ये मामला कोर्ट में आ गया था। चूंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग था इसलिए हमने भी दिल्ली पुलिस से इस मामले में कोई जोर देके कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन आज जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि वो 2021 में एफआईआर दर्ज कर चुके हैं तो हमारी अपेक्षा है कि दिल्ली पुलिस इसमें शीघ्र उनको गिरफ्तार करेगी और उनके अगेंस्ट आगे के एक्शंस लेगी। डांगर गोचर अभियुक्त राहुल गांधी सम्मुख विपद क्रमान्वे बाढ़ गई है। पक्सो आईन अधीन ग्रेप्तार हवा दिशे आगे राहुल गांधी एगी धर्षिता किशोर परिचय राजहुआ कर दी राहुल गांधी पितृ मातृ छवि प्रचार कर 2021 सन घटना जो किशोरगढ़ धर्षण कर हत्या कर शमशान राहुल गांधी किशोरगढ़ घर ले गई पितृ मातृ सहित फटो तुली और टुईटार हेंडल सोशियल मीडिया आपलोड कर दी पक्सो और जुवेनाइल जास्टिस भंग भी क्या है। 2021 सन सेप्टेम्बर माहते 240 नंग गोचर रुजुरा राहुल गांधी विरुद्धे दिल्ली उच्च न्यायालय एक घटनाक शुनानी चल आस। राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्ष प्रियांक कानगुए यह तथ्य जाना से दिल्ली आरक्षे शीघ्र ग्रेप्तार कर सम्भावना आज राहुल गांधी। गति के राहुल गांधी ग्रेप्तार हम पे मंत्य पुनर्ब शुना करवाई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2021 में एक बच्चे की रेप और हत्या की घटना हुई थी जिसमें उस वक्त
उस मामले को स्कैंडलाइज्ड करने के लिए सांसद सदस्य श्री राहुल गांधी वहां गए थे। उन्होंने बच्चे के माता पिता के साथ वीडियोस बनाए, वीडियोस उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपलोड किए और ये सब करके उन्होंने पॉक्सो एक्ट के और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ दिया। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था। हमने तब दिल्ली पुलिस को कहा था कि इस मामले में श्री राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी हुई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ये अवगत कराया है कि दिल्ली पुलिस ने 2021 के सितंबर माह में FIR नंबर 240 दर्ज किया है राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें सेक्शन 23 पॉक्सो, सेक्शन 74 जेजे और 228A IPC धाराएं लगाई गई हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में शीघ्र एक्यूज्ड की गिरफ्तारी करेगी और मामले को आगे बढ़ाएगी। अभी तक आपके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि FIR रजिस्टर की गई है? अनफॉर्चुनेटली हमें दिल्ली पुलिस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। मीनवाइल ये मामला कोर्ट में आ गया था। चूंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग था, इसलिए हमने भी दिल्ली पुलिस से इस मामले में कोई जोर देके कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन आज जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि वो 2021 में FIR दर्ज कर चुके हैं, तो हमारी अपेक्षा है कि दिल्ली पुलिस इसमें शीघ्र उनको गिरफ्तार करेगी और उनके अगेंस्ट आगे के एक्शंस लेगी। गति के मुहूर्त 2021 सन दिल्ली एक घटना संघटित हुई जो एगारगी नाबालिकाक धर्षण कर हत्या कर श्मशान यह जघन्य घटना संघटित तार पिछत भुक्तभोगी किशोरीगढ़ घर ले गई राहुल गांधी टुईटार जरिए राजहुआ कर किशोरगढ़ दिल्ली आरक्ष 2021 सन रुजू कर राहुल विरुद्ध गोचर पक्सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट IPC अधीन गोचर रुजू आज प्राय डेढ़ बस पूर्वे दुबस पूर्वे और यार भित दिल्ली आरक्ष শুনানি চলি আছে এখন PIL কৰিছিল গতিকে দিল্লী পুলিশে যেটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এটা আদালতৰ মজিয়া পালেগৈ আৰু আদালতে দিল্লী আৰক্ষীক জনাইছে যে আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহতে পক্সো আৰু জুভেনাইল জাস্টিস এক্ট আৰু IPC আধাৰত গোচৰ ৰুজু কৰি দিছোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ দিশে ৰাহুল গান্ধী আগবাঢ়িছে আৰু পক্সো এটা নন বেলেবল ছেকশ্যন গতিকে বিপদ হয়তো ৰাহুল গান্ধীৰ বাঢ়ি আছে।